वर्ल्ड में जितने भी महंगे स्प्रे और इत्र है उसमें एम्बरग्रीस नाम का पदार्थ यूज किया जाता है और ये पदार्थ समुद्र में तैरता हुआ मिलता है। इस पदार्थ की सुगंध लंबे समय तक चलती है इसलिए इत्र में यूज किया जाता है और इसकी प्राइस पर केजी $50,000 है। नंबर दो, वुड पिकर बर्ड को अगर लंबे समय तक भोजन नहीं मिलता तो वो अन्य पक्षियों को नीचे झुकाएंगे, उनके सर के पीछे चोंच मार के उनकी खोपड़ी में दरार कर देते हैं और उनका दिमाग खा जाते हैं। नंबर तीन, जेलीफिश का नाम तो आपने कभी ना कभी सुना ही होगा जो समुद्र में होती है। जेलीफिश 95% पानी से बनी होती है। जेलीफिश को ना तो ब्लड होता है और ना ही ब्रेन होता है। नंबर चार, आर्मडिलो नाम का एक प्राणी होता है, उनके ऊपर का जो कवच होता है वो इतना सॉलिड होता है कि अगर उन पर गोली चलाई जाए तो वो गोली भी टकराकर नीचे गिर जाती है। नंबर पांच, पेरिस में जो एफिल टावर है वो गर्मियों में 6 इंच लंबा हो जाता है और ठंड में 6 इंच छोटा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि मेटल जब गर्म होता है तो उसका विस्तार हो जाता है, इसलिए गर्मियों में एफिल टावर 6 इंच लंबा हो जाता है। नंबर छह, ह्यूमन बॉडी में 50 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, उनमें आधे से ज्यादा रेड कलर के सेल्स होते हैं। इस रेड कलर के सेल को पूरी बॉडी में ट्रैवल करने में सिर्फ 20 सेकंड लगते हैं। नंबर सात, यूएस की नासा रिसर्च सेंटर में इंटरनेट की स्पीड है 91 GB/s। नासा वाले अगर 1 TB की फाइल डाउनलोड करे तो उन्हें सिर्फ 15 सेकंड लगते हैं और हम 1 GB डाउनलोड करें तो 1 घंटा लग जाता है और वो भी 4G स्पीड में। नंबर आठ, इंग्लिश में अगर आप 1 से लेके 1000 तक देखोगे तो लेटर ए का कहीं भी उपयोग नहीं किया, और साथ ही आप 1 से लेके 1 मिलियन तक देखोगे तो एम का भी उपयोग 1 मिलियन तक नहीं किया। गजब का फैक्ट है। नंबर नौ, आयरलैंड कंट्री में 1845 में अकाल पड़ा था, तब से लेके आज तक उनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है। 1845 में आयरलैंड की पॉपुलेशन 9 मिलियन थी और अभी उनकी पॉपुलेशन 4.85 मिलियन है, मतलब पॉपुलेशन बढ़ने की बजाय कम होती जा रही है। नंबर 10, 1567 में मेयर ब्रोनो की दाढ़ी 4 फीट लंबी थी और वो अपनी लंबी दाढ़ी को लेकर बहुत फेमस थे। उस समय दुनिया के सबसे लंबी दाढ़ी रखने वाले इंसान थे। एक दिन उनकी 4 मंजिले की इमारत में आग लगी और वो सीढ़ी उतरकर भाग रहे थे, तभी उनकी दाढ़ी उनके पैरों में चारों ओर उलझ गई और वो सीढ़ी से नीचे गिर गए और उनकी मौत हुई। उनकी मौत का कारण उनकी लंबी दाढ़ी थी। Thank you for watching this video. Please like and subscribe.